Hello guys, welcome to my channel and my channel name is Miss Curious. So आप सबका स्वागत है मेरे channel में. और ये जो channel है basically ये एक educational channel है. उसका काम है सिर्फ education provide करना. और basically मैं जो focus करूँगी वो मैं focus करूँगी cyber security पे. तो यार अगर lesson पसंद आया, episode पसंद आया, ठीक है, मेरी video पसंद आई तो please share करो, सब्सक्राइब करो और ये जो लाइक बटन है उसे ज़रूर दबाना, भूलना मत. ओके, तो पहले हम चलते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है. ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. वन इज़ योर साइबर एंड अनदर वन इज़ योर सिक्योरिटी. साइबर मतलब क्या? बीइंग डिजिटल, मतलब जितना कंप्यूटर में हम काम करते हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू साइबर. ठीक है, वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर मीन्स यू आर डूइंग अ साइबर थिंग. देन व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मीन्स की सुरक्षा. ठीक है, कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है उसकी सुरक्षा, दैट इज़ नोन एज साइबर सिक्योरिटी. अब यार देखो, इसको तो हम बाद में इलेबोरेट करके देखेंगे ही, पहले हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं. पहले हम ये पता करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी टर्म आया क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें. पहले हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए इन सब चीज़ों का, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे. तो बेसिकली व्हाई डू वी नीड साइबर सिक्योरिटी? तो यार देखो, जैसे जैसे इंटरनेट आने लगा, ठीक है, कंप्यूटर आया, ठीक है, नेटवर्क्स बढ़े, हमारे क्लाइंट्स बढ़े, हमारे मतलब कस्टमर्स बढ़े, हमारे पीयर टू पीयर कनेक्शंस बढ़ने लगे, क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क्स बढ़ने लगे, ठीक है, डेटा इधर से उधर शेयर होने लगा, फाइन. अब डेटा भी तो दो प्रकार के होते हैं. डेटा आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ दैट यू हैव योर पब्लिक डेटा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई तीसरा इंसान भी देखे तो. And the other one is your private data. That is very important. कि उसमें you should not include any third person. Okay, third party inclusion नहीं चाहिए होता. So basically what is cyber security? कि यार मतलब हमारा जो data है, हमारा जो personal data है, हमारी जो privacy है एक तरीके से data की, वो कहीं ना कहीं public हो रही थी. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? एक पर्दा चाहिए था. अगर हम फिजिकली साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करें सो दैट इज़ अ वॉल और यू कैन से अ कर्टेन, ठीक है, जिसके पीछे हम अपनी पर्सनल चीज़ें छुपा के रख सकते हैं और किसी तीसरे को भी पता नहीं चलता है कि हम क्या डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने दूसरे क्लाइंट को. सो दैट इज़ वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी. जैसा कि मैंने लिखा है, इन दिस इंटरनेट एरा वेरियस सोशल मीडिया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट विच हैज़ इंक्रीज्ड द डेटा थेफ्ट एट इट्स मैक्सिमम. डेटा चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जैसे जैसे हमारे सोशल मीडिया ऐप्स आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास हमारा जो सोशल मीडिया है वो ग्रो कर रहा है. ठीक है, If you have some advantages of internet, then you have its disadvantages too. ठीक है, then data is transferred secretly known as hacking, which is done on time basis. Basically हमारा जो theft है वो seconds में change हो रहा है. Means कि इतनी तेज़ी से हमारा data चोरी हो रहा है कि we are not even knowing it कि हमारा data कहाँ चला गया. Then अगर मैं इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूं कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कितने ज़्यादा हुए हैं इंडिया में, तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, वी आर नॉट गोइंग ग्लोबली, ओके, एंड आई हैव टेकन दिस डेटा फ्रॉम द प्रिंट, ओके, विच इज़ अ न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो अ वेरी गुड सोशल साइट. सो अगर हम देखें तो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स 2017 में देखें आप तो दैट इज़ 53,117. फाइन, उस टाइम पे लोगों को इंटरनेट का इतना वो नहीं था, कि इंट्रोडक्शन नहीं था इंडिया में. बेसिकली इंडिया में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, सो देयर वाज नो सच एक्सपोजर इन 2017. एंड देन यू सी 2018 का बार देखेंगे तो 53,000 से लेके 2 लाख तक चला गया है. फाइन, एंड देन एट 2021 इट हैज़ गॉन टू 14 लाख. सो आई यू जस्ट ऑब्जर्विंग समथिंग कि
मतलब इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इंडिया में देर इज लैक, एम्पल लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी पीपल हु यू नो जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट आर डेटा, वेदर इट इज़ अ ग्लोबल डेटा और अ नेशनल डेटा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो यू कैन सी कि हाँ अभी इंडिया की हालत कहाँ है साइबर सिक्योरिटी में. सो रियली देर इज़ अ बिग 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 नीड ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और वी कैन से चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर. वी हैव टू यू नो जस्ट मेक पीपल ट्रेंड वॉट एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी एंड सर्व आर कंट्री विद इट. सो हियर सी द टेक्स्ट इज रिटन एज द गवर्नमेंट रिलीज इट्स लेजिस्लेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, न्यूमरस इंडस्ट्री वाइड सर्वेज एंड सेक्टर एक्सपर्ट से दैट 2023 विल सी कंपनीज स्पेंडिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स टू सिक्योर देयर डिजिटल सिस्टम्स फ्रॉम अटैक. सो यू कैन सी कि हाँ यार स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी का स्कोप इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैंने ये लिंक प्रोवाइड किया है नीचे, यू कैन गो एंड जस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. देन अब आते हैं हम कि हाँ यार साइबर सिक्योरिटी क्या होती है. तो देखो अभी तक हमने पता कर लिया कि हाँ हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों थी, मतलब ये हिस्ट्री क्या थी इसकी, ये आया कैसे. तो अब हम देखेंगे कि यार ये होता क्या है. मैंने जैसे पहले बताया कि यार हमारा जो डेटा है वो तीसरे क्लाइंट को हमें नहीं पहुंचाना, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा कोई और देखे, भाई जो हमारा क्लाइंट है हम उसी को भेजना चाहते हैं. तो बस मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में जो पाथ है वहाँ पे कोई तीसरा इंसान इंडल्ज होके मेरा डेटा चोरी नहीं करना चाहिए. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. तो मैलिशियस अटैक्स जैसे हैकिंग, सबसे बड़ी चीज़ एक मैलिशियस अटैक में होती है हैकिंग. मालवेयर यूज़ करते हैं हैक करने के लिए किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली 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 बूमिंग लाइक अ ह्यूज थिंग एंड दैट्स वाई वी नीड अ साइबर सिक्योरिटी फॉर दैट. तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है विच एनकाउंटर और इनेक्टिंग काउंटर मेजर्स अगेन मैलिशियस अटैक्स, जितने भी मैलिशियस अटैक्स होते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ हैकिंग ही होती है, और सारी चीज़ें भी होती हैं. तो अगर हम सिर्फ हैकिंग को अभी लेकर चलते हैं तो अगर भाई हैकिंग भी एक क्या है, नेगेटिव चीज़ है. हाँ अगर हम किसी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हैकिंग कर रहे हैं दैट इज़ गुड, बट अगर कोई मेरा पर्सनल डेटा में हैक कर रहा है, मुझे हैक कर रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मैलिशियस एंड आई नीड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम इट. सो दैट्स वाई आई नीड अ साइबर सिक्योरिटी. तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है. देन वी आर गोइंग टू कि यार अगर हमें साइबर सिक्योरिटी हम अगर एक ज़रूरत की तरह देखें तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ये प्रूफ करता है कि हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, हमें उसकी सच में ज़रूरत है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रोटेक्ट आर प्राइवेट डेटा. अब कोई पर्सनली अगर कर रहा है तो उसके लिए वी रियली नीड टू प्रोटेक्ट द डेटा, दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट डेटा. सेकेंड हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेटा है वो भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए. अब हम बैंक्स में जाते हैं, हमारा बिजनेस होता है, तो वहाँ पे देर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ डेटा विच हैज़ टू बी सिक्योर्ड, ओके, विच इज़ प्राइवेट. सो देर फोर वी ऑल्सो नीड अ साइबर सिक्योरिटी इन दैट सिस्टम. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल सिक्योरिटी तो हमें वहाँ पर भी अपनी साइबर सिक्योरिटी चाहिए. नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज नाउ डेज क्या है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है. इंस्टाग्राम में आप जाओ आपको पेजेस मिल जाएंगे, आपको डेटा मिल जाएगा. इफ़ यू आर अ गुड हैकर यू कैन एक्सेस एनीवनस डेटा वेदर ही और शी इज़ अ सेलिब्रिटी और अ पॉलिटिकल लीडर. फाइन, सो नेशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सो हम ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी बहुत प्रूवेबल है एंड जो प्राइवेट है जैसे हमारे प्राइवेट बैंक्स हो गए, हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, हमारा खुद का पर्सनल प्राइवेट डेटा हो गया, तो उसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी इज मस्ट.
देन वट इज द नेक्स्ट, दैट हम साइबर सिक्योरिटी को एज अ स्कोप कैसे देखते हैं. नाउ देखो, लोगों को होती है कि हम कुछ ब्रांच में हमने कुछ देखा, जैसे साइबर सिक्योरिटी देखा, तो पहले देखते हैं कि हाँ, कि मतलब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, आगे जाके हम क्या फ्यूचर देख सकते हैं. तो वो चीज़ का सोल्यूशन भी है मेरे पास, दैट अगर हम साइबर सिक्योरिटी को एक स्कोप की तरह देखें, तो आप एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो. मतलब जितने भी साइबर अटैक्स हुए हैं उनका एनालिसिस करके, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन और ये सब चीज़ें निकाल के आप मतलब एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो आगे के लिए कि हाँ, अब ये क्राइम हो सकता है, इसको हमें ऐसे बचाना है तो हमारा रेट कम हो जाएगा. देन इज योर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO. ये एक गवर्नमेंटाइज्ड होती है, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं. आप सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर भी बन सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर भी बन सकते हैं, एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें एज अ स्कोप, जितना मैंने ये सब आपको बताएं, ये सब आप गूगल में भी टाइप करोगे, आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी. मीन्स आई वॉन्ट टू से कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा फील्ड है वर्क करने के लिए. अगर कोई जाना चाहता है गवर्नमेंट में तो वो भी कर सकता है, और कोई प्राइवेट में जाना चाहता है तो वो भी कर सकता है. देयर इज नो बार की नहीं सिर्फ ये चीज़ें प्राइवेट में ही ज़्यादा बूम करती हैं एंड गवर्नमेंट में नहीं करेंगी. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी 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 एसेंशियल पार्ट इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट. सो थैंक यू गाइज.